शाम सभी को। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह के 10 बजे से, और अभी सब हम जा रहे हैं जहाँ पर मेला हुआ था ना, वहाँ पर काम करने, जो भी कचरा कुचरा उसे उठाएंगे। तो बस मम्मी वगैरह, तो वैसे तो मम्मी ने जाना था, मम्मी और काशु सुबह ही चले गए घास लाने, तो अब मेरी बारी है तो मैं जाऊंगी। तो चलते अब। लोगों ने अपना अपना गोबर एक एक जगह रखा होता है, ऐसे अपनी अपनी जगह। हमारी यहाँ से परे वाली तरफ रखे हमने गोबर, तो मतलब गांव में नहीं रखते, गांव से थोड़ा दूर रखते हम गोबर। और भी गांव की औरतें चले गई, मैं और मेरी चाची जा रहे हैं। अभी चाची मेरा ब्लॉग देख रही है पीछे। यहाँ पर हम ले रहे हैं सेब और अनार, जो की 100-100 रुपए के 2 किलो मिल रहे हैं हमें सस्ते में। कल तो थोड़े महंगे थे। और यहाँ पर साथ में जापानी फल भी है, जो कि 100 के किलो मिल रहे हैं, और 100 के 1.5 किलो मिल रहे हैं। हाँ, और अच्छे हैं। मतलब सेब तो ऐसे काफी महंगा है, 100 का किलो बिक रहा है वैसे मार्केट में, तो यहाँ पर ठीक पड़ रहा है हमें। तो हम यहाँ से बाय कर रहे हैं, और मैंने भी लिए, मैंने 2 किलो सेब लिए और 2 किलो अनार ले रही हूँ। यहाँ पर मेरी बहन मेरे को छांट रही है। दुकान है, अब यहाँ से जा रही है, लोग फोल्ड कर रहे हैं अपना सामान और और कुछ सामान ऐसे। अब हम लोकल लोग सुबह ही आते हैं थोड़ा बहुत सामान लेने, थोड़ा बहुत हमने कल लिया था, और आज थोड़ा प्राइस थोड़ा सा हल्का सा कम है, और बार्गेनिंग कर सकते हो आप आराम से। तो लोकल लोग ही आए हैं अभी शॉपिंग करना सामान की। वहाँ पर भी मेरे गांव की शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम भी कर रहे हैं। मैंने भी 2-4 चीजें बाई की यहाँ से। यहाँ पर बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर जुतियाँ आई हुई हैं, और डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। मैं भी सोचूं यहाँ से बाय करूँ एक जुत्ती का जोड़ा, मेरे पास है नहीं, तो ट्राई करते हैं पहले। देख, हम आ गए यहाँ पर धाटू वाली शॉप में। ये यहाँ से वहाँ पर टोपी वाली शॉप भी है साथ में। धाटू बहुत ज्यादा सुंदर है, पर मेरी मम्मी ने ले लिए तो मैं नहीं लूंगी। ने पेंट वगैरह भी उतार दिए, और सारी दुकानें आज क्लोज हो जाएगी मैक्सिमम। अब हम जा रहे हैं मिक्की माउस झूला झूलने। ये पता नहीं हमें उछलने देंगे झूले में नहीं देंगे, पहले हम इनसे बोलेंगे अगर हाँ ये अपना झूला करेंगे तो। मिक्की माउस वाला झूला फुला दिया स्पेशल, हमने बोला था इन्हें हमने कूदना इसमें। मैं तो लास्ट टाइम जब मैं शायद 6th में 7th में थी, तो हमारा टूर गया था स्कूल का खजियार, तो मैं वहाँ पर झूली थी, उसके बाद मैं इसमें कभी नहीं कूदी हूँ। तो बस अब हम कूदेंगे इसके अंदर तो मजे लेंगे। भाई मैं से तो चढ़ ही नहीं जाता इसमें, बड़ी मुश्किल से मैं चढ़ के ऊपर पहुंची हूँ। बहुत मजा आ रहा है, और ऐसे भी चल रहे हैं ऐसे। मेरे को लगी थी गर्मी, स्वेटर मैंने उतार दी, और मैं अकेली घर जा रही हूँ। अभी भी झूल रहे हो मिक्की माउस में, बट मेरे को घर जाना पड़ेगा, मम्मी वगैरह गए घास काटने, काशु और मम्मी, तो खाना बनाना है यार। तो चलते अब सीधे घर में। घर आते ही सबसे पहले मैंने बनाया खाना, दाल पीछे गैस में चढ़ी हुई है, और मैंने साथ में निकाल दिया घी, और चावल भी बन गए। यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ मक्खन, और साथ में यहाँ पर लस्सी गिर गई थी तो बाद में पोचा भी लगा देती हूँ। आजकल अच्छा मक्खन निकला है क्योंकि ठंडी हो गई है, तो सर्दियों में मक्खन ज्यादा निकलता है। 2000 years later. अभी टाइम हो रहा है शाम के 3:30, और हम जा रहे हैं घास काटने, और बस अब मैं साथ में कपड़े भी ले जा रही हूँ, मैं नीचे नहा के आऊंगी। तो चलते हैं हम सीधे घास के खेत में। उस तरफ अभी भी धूप है, और हमारी तरफ बहुत जल्दी चले जाती है अगले महीने, और दिसंबर और जनवरी में देखना, यहाँ पर धूप 2 बजे ही चले जाती है, और बहुत ज्यादा ठंड होती है। हम पहुंच गए अपने खेतों में, और मैं भी दिखाती हूँ यहाँ पर आपको। ये वाला खेत और ऊपर वाला खेत भी हमारा था, ये काट लिए हमने, अब काटेंगे हम ऊपर जैसे। और अभी काफी लोगों का घास है इधर काटने को, ऐसा कुछ नहीं है, सब काट रहे हैं आराम से। मम्मी और काशु तो अपने ग्लव्स पहन लिए हैं, काटना भी शुरू कर दिया उन्होंने, मैं पहनूंगी अपने ग्लव्स। हमारा घास का खेती कंप्लीट हो गया, बस ये साइड में और यहाँ पर बचा है थोड़ा सा, मम्मी काट रहे हैं और काशु साइड साइड वाला काट रही है।
और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर एक पेड़ गिरा था, बहुत ये बहुत ज्यादा पुराना पेड़ था और बहुत बड़ा था, जो कि इस बार बरसात में गिर गया था। तो कुछ ऐसे गिरा है, देखो कितना डेंजरस लग रहा है। ओ भाई साहब, चलते हैं इस पेड़ की तरफ, काफी बड़ा है। मैं तो जब गिरा था तब नहीं आई थी, मैं तो अभी आई इस बार। ये सीधे गिरा था लोगों के खेत पर, जिस वजह से लोगों ने यहाँ पर घास भी नहीं काटा अभी तक। पता नहीं कितना ही पुराना पेड़ होगा, कितने 100 या 200 साल पुराना तो होगा ये पेड़। कुछ ऐसा था ये पेड़, और बेचारा टूट गया है अब। एक्चुअली बहुत पतला सा बचा था, यहाँ पर हम मतलब मक्की वगैरह बीजते थे इस तरफ, तो पहरे डालते हैं, तो इसकी जो लकड़ी थी वो काफी अच्छी होती आग जलाने के लिए। लोग धीरे धीरे करते इसको अंदर को काटते गए, ऐसे करते करते ये पतला सा ही बचा था, और इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई तो फिर ये टूट गया। एक्चुअली इसमें पैर स्लिप नहीं होते हैं, ये थोड़ा हार्श होता है, ये तो गिरने का डर नहीं रहता, इसमें चढ़ सकते हैं, मतलब ऐसे उतर सकते हैं आराम से। देखो वो पैर स्लिप नहीं हो रहे हैं। मम्मी और काशू नीचे हैं, और यहाँ से व्यू देखो भाई, ये मंदिर वाले एरिया है साथ में, और वहाँ पर फुहारा भी है जो बहुत फेमस है यहाँ का। और ऐसा व्यू है कुछ जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से कैसे जाऊंगी, ऐसे जाऊंगी भाई, ऐसे इतनी से तो हूँ मैं, यहाँ से तो मैं निकल ही जाऊंगी। डेंजरस से भाई, यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा क्योंकि पेड़ की टहनी आ गई है इधर को। यहाँ से ऐसे जाऊंगी स्किप करते। कुछ ऐसा पेड़ है भाई, क्या डेंजरस लुक था इसका जब ये। मैं काशू को बुला रही हूँ भाई, मेरे एक फोटो खींच ले यहाँ पर थंबनेल के लिए, पर ये नहीं आ रही है भाई, क्या करूँ मैं इसका, इसको घर आके आत्मा आ जाती है, मेरे साथ दूसरी लड़ाई करती है ये। इतना सही पेड़ मिला था मेरे को फोटो लेने के लिए, ये आ भी नहीं रही है। और नीचे से हंस रही है, पता नहीं क्या बोल रही है, मुझे नहीं है पता। इतना लंबा पेड़ है, इसका सर यहाँ से फिर से टूट गया और वहां तक गिरा है। चल लास्ट में आपको थोड़ा सा लक्कड़ नहीं दिख रहा ऊपर को, वहां तक गिरा, काफी लंबा पेड़ था ये। चलते अब सीधे इस पेड़ से होते हुए इधर, ये वाला खेत भी हमने काट लिया दो खेत, और जाएंगे हम उधर जहाँ मेरी दादी काट रही है थोड़ा थोड़ा उधर, तो उधर जाके काटेंगे, और ठीक बड़ा खेत है तो उसे काटते काटते हमें अंधेरा हो जाएगा। मम्मी जाएगी घास बांधने, घास रखे सूखने के लिए। चलते हैं अपने उधर वाले खेत में, लगता है खेतों का पता, क्योंकि बीच में पत्थर होता है, ये बाउंड्री होती है, मतलब इतनी बड़ी बाउंड्री तो नहीं दे सकते, तो छोटे छोटे पत्थर लगाते हैं ऐसे, और इसके उस पार लोगों का हो गया और इसके इस पार हमारा हो गया। काट काट की मेरी शक्ल कुछ ऐसी होगी भूतों की तरह, मेरी अकेली नहीं सबकी होगी ऐसे। और अभी तक ये खेत खत्म नहीं हुआ, टाइम हो गया 6:08 और अंधेरा होने ही वाला है, और दो खेत और बच गए हमारे, तो क्या करना अब, चल पड़ते, अंधेरा हो जाएगा नहीं तो, खाना भी बनाना है घर जाके, और नहाऊंगी भी।
ये वाला घास गाय के लिए निकाला है, मम्मी भरेगी रस्सी में और मैं पहले नहाऊंगी यार। इधर पहले मैं नहाती हूँ और कपड़े भी धोऊंगी, मशीन में डाल दूंगी। मैं यहीं से नहा के जाऊंगी क्योंकि यहाँ पर सोलर लगे हुए हैं तो पानी गर्म रहता है, घर में जाके कौन पानी गर्म करेगा और फिर नहाएंगे, तो इसीलिए तो मैं नहाऊंगी इधर ही और फिर निकल जाएंगे घर। ज़्यादा मिनट तो लगेगी नहीं नहाने के लिए क्योंकि पानी तो ऑलरेडी गर्म है। मिलती हूँ सीधे नहाने के बाद। यार मेरी शक्ल बहुत ज्यादा गंदी होगी, मेरे बाल भी। मेरा नहाना भी हो गया सर, मैंने नहीं धोया क्योंकि थर्सडे आज, क्योंकि मम्मी घर में है और मैं घर में हूँ। मम्मी क्या घर में, मैं घर में हूँ। मम्मी डांटेगी थर्सडे को बाल धोने के लिए, तो बस इसलिए मैंने बाल नहीं धोए और कपड़े कुपड़े सब कुछ धोने डाल दिए, बस ड्राई करने के लिए बचे हो। ड्राई करने के लिए डाले, उन्हें सूखने डालूंगी और सीधे निकलूंगी घर को। बाहर अंधेरा भी होगा, मैं दिखाती हूँ आपको। अंधेरा हो गया बाहर, मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट भी जल गई है। तो सब सीधे निकालते हैं कपड़े मशीन से, हो गए उन्हें। कोई भी नहीं, इधर पूरी भूतिया वाली फीलिंग आ रही है और मेरी आवाज कैसे गूंज रही है। दादी होंगे, सिर्फ सिर्फ दादी रहेंगे इधर। यहाँ पर सोलर लाइट लगी हुई है जगह जगह हमारे गांव के लिए, ऐसे कोई डर नहीं लगती अंधेरे में क्योंकि गांव का ही रास्ता है और मस्त लाइट ही लगी हो। ऊपर जैसे भी लाइट है, मतलब रास्ते में आपको लाइट मिल जाएगी, आराम से रात को आ जा सकते हैं यहाँ से। अभी मैं पहुंच गई घर। घर पहुंचते काश वगैरह तो चली गई ऊपर किचन में, आग जलाएंगे और खाना खुना बनाएंगे। अभी मैं भी जाऊंगी, मैं शायद रोटी बनाऊंगी आज। और बस यही था आज का ब्लॉग। दिन भर काम होता है यार, घास का टाइम चला होता है, रात ऐसे ही हो जाती है, घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, कोई पता नहीं चलता टाइम का। आई होप आप लोगों को मेरे मिनी ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।